जिला कलेक्ट्रेट के बाहर पिछले 16 दिनों से भूमिहीन किसान संघर्ष समिति के तत्वावधान में चल रहा क्रमिक व आमरण अनशन मंगलवार दोपहर सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हो गया। इससे पूर्व एडीएम सिटी किशोर कुमार ने समिति पदाधिकारियों को अपने कक्ष में बुलाकर आश्वासन दिया कि विवादित भूमि संबंधी मांगों के अनुसार राज्य सरकार आर्य समाज को आवंटित की गई भूमि को सीज करने की कार्रवाई करेगी या नहीं, इस बाबत जिला प्रशासन द्वारा विशेष संदेशवाहक द्वारा एक पत्र भेजा जा रहा है। किसानों के साथ वार्ता करते हुए पूर्व मंत्री जसराज जयपाल ने कहा कि वे किसानों की मांग के यथासंभव समाधान के लिए मुख्यमंत्री और संबंधित अधिकारियों से बात करेंगे और जरूरत पड़ी तो न्यायालय में केस भी दायर करेंगे। जिला कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर सुरेश गर्ग ने भी किसानों के द्वारा पिछले 16 दिन से किए जा रहे अहिंसात्मक और शांतिपूर्ण संघर्ष की सराहना की। डॉक्टर गर्ग और जसराज जयपाल ने अनशन पर बैठे किसान चौहान, गोवर्धन गुजर, इंद्रलाल दगदी, लक्ष्मी नारायण सिंगोदिया और यश गढ़वाल को जूस पिलाकर अनशन समाप्त कराया। सभी किसानों ने सहयोग के लिए मीडिया का आभार जताया। देखिएगा, प्रशासन से मेरी बात नहीं, गर्ग साहब की बात हुई थी और उन्होंने जनाब अश्योरेंस दिया है। मैंने कुछ कागजात देखे और उस कागजात में ये हुआ कि इनकी जमीनें लैंड अक्वायर एक्विजिशन एक्ट के तहत अक्वायर की और उसके बाद इनको जो एक आर्य समाज की कोई संस्था कंपनी नाम से बना करके उन्होंने जो फर्जी है उसको आवंटित किया और ये कहा गया था कि इसमें जनाब जी जी हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, इसमें और भी कार्य वैसे जो शिक्षा से संबंधित है वो करेंगे और उनको दिया था कि 15 साल में इसको ये पूरा कर देंगे। वो 15 साल में इनके पूरे नहीं किए, इसको व्यापारिक वैसे काम में ले रहे हैं, इसके अलावा और दूसरे काम में भी ले रहे हैं। जिस उद्देश्य के लिए आवंटित हुई थी जमीन उसका वो उद्देश्य उन्होंने पूर्ति नहीं किए। ये जो है जो मुआवजा जिस अवार्ड जो हुआ था 12/7/1950 को उसके अंदर वो सब्जेक्ट टू कंडीशन पे इनको जमीनें दी गई थी और अवार्ड सिर्फ 15 साल के टेम्परेरी हुआ, नॉट ए फॉर परमानेंट नहीं। और जिस पर्पज न्यू DAAV एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज कॉलेज जो बनाने का उद्देश्य था और जो लेआउट दिया था और इंडस्ट्रिया वगैरह और जो अदर प्रयोजन ये जो बनाया नहीं बनाया, इस नाम की कोई संस्था नहीं है। जो आगे क्या है वो हम जो है सरकार से जो चल रही है प्रक्रिया उसके प्रयास कर रहे हैं और सरकार से जमीन वापस लेने का साधन चल रहा है। और यहाँ नहीं हुआ तो फिर हम हाईकोर्ट जाएंगे, सरकार हमारे को यस और नो का जवाब दे।